है दिलों का ना पूछो आप लोग। आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई हूँ मैं, एक साल से मेरी जल्दी उठने की आदत छूट गई थी। आज कशिश को भी टाइम से स्कूल जाना था मॉर्निंग में, तो एक तो उसकी वजह से उठ गई और ऊपर से आज सोसाइटी का पानी जाना था। मतलब हर ब्लॉक का अलग अलग जाता है, तो हमारे ब्लॉक का आज जाना था पानी। तो सुबह से वो होता नहीं, रात में भी एक दिमाग में चल रहा था सुबह पानी चला जाएगा। मैंने एलेक्सा को भी बोल दिया कि एलेक्सा सुबह मुझे 6 o'clock उठा देना। अच्छा अभी मेरी आदत छूट गई है ना काफ़ी टाइम से, तो मैं अभी 8 बजे उठती हूँ या 7:30, 8, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम है और कितना जल्दी मतलब निकलना है परेशान को, या कैसा भी जो भी काम होता है उस हिसाब से मैं उठ जाती हूँ। तो 6 बजे तो मैं बहुत दिन बाद उठी थी, और 6 बजे अलार्म बजा, मैंने ऐसे कहा एलेक्सा साइलेंट, उसके बाद मैं फिर से सो गई। 15-20 मिनट बाद मुझे याद आया आज तो पानी जाने वाला है, भाई मैं उठी और भागी मैंने सारा काम खत्म किया। पिंकी आई, उससे जल्दी जल्दी बर्तन धोए। मैंने कहा पिंकी बस तुम जल्दी आ जाओ, बर्तन साफ करके जाओ, अगर बर्तन सिंक में पड़े रह गए तो पूरा दिन मेरे को किचन में आने का मन नहीं करेगा। कुछ बॉटल्स मैंने यहाँ पर पानी भर के रख दी हैं कि कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं तो पीने के तो काम आएंगी, साथ में किचन में जब मैं खाना बनाऊंगी तो उसके भी काम आ जाएंगी। तो मुझे निकालना था धनिया। ओए एक हाथ से काम नहीं होता। ओके तो ये इसमें मैं धनिया रखती हूँ टिश्यू पेपर में लपेट के, अच्छे से, ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिन चल जाता है। और एक बोतल मैंने यहाँ पे भी भर के रख दी है पानी की, वो ठंडी करके रख दी है, किसी को पीना हो ठंडा पानी तो। अब इतनी जल्दी वैसे हम लोगों ने ठंडा पानी पीना स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी कभी कभी मन कर आता है। काशीफल अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें डालते हैं फ्रेश फ्रेश धनिया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा सा ही मैं डाल रही हूँ। मैंने ना एक कॉपर का सेट खरीदा है, जग और उसके साथ 2 गिलास। मैंने बहुत लोगों के मुंह सुना है कि ना कॉपर में रात में अगर आप पानी रखकर सुबह पीते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, जैसे पेट के लिए अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाता है। तो ये चीज मैं ट्राई करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये जग का सेट लिया है। काफी बड़ा सा जग है ये, उसके साथ मुझे 2 गिलास भी मिले हैं कॉपर के। वैसे भी गर्मियां आ गई हैं तो मैं सोच रही हूँ इसमें पानी भर के अपनी टेबल पर रख दिया करूंगी, जिससे कि हम लोगों के पीने के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और पानी ठंडा भी रहेगा। इसी के साथ ना मैंने कॉपर की एक बोतल भी मंगाई है, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी में होते हैं तब तो ये जग वगैरह लेके साथ में चल नहीं सकते, तो इस कॉपर की बोतल में पानी काफी देर तक ठंडा भी रहता है और प्लस आपको बेनिफिट भी मिलता रहेगा साथ के साथ। तो ये एक बोतल भी मैंने मंगा ली है, गाड़ी में आराम से कहीं भी रख सकते हो, या फिर अपने बेडरूम में आपको कहीं साइड में रखना हो तब भी अच्छा है, टेबल पे साइड में रख दो, जब भी प्यास लगे पीते रहो। गर्मियों में तो वैसे भी बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, और पीना पड़ता क्या है, पीना चाहिए हमें मतलब समर में नहीं विंटर में भी पानी पीना चाहिए, लेकिन विंटर में हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं, पानी पीते नहीं है क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं करती, लेकिन समर में तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो मैंने ये मंगाया सेट, और एक मैंने ये बोतल मंगाई है। और पता है ये वाली जो बोतल है ना, वैसे तो 549 की है, लेकिन डील ऑफ द डे चल रहा है इसके ऊपर, तो ये आपको 459 की मिल जाएगी। और मैं इतना कह सकती हूँ किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इतनी सस्ती तो आपको नहीं मिलने वाली, तो आप डील ऑफ द डे में इसे ले सकते हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उन सबके लिंक ना आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक करके लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो इन प्रोडक्ट्स की डिटेल, इनके प्राइस वगैरह सब दिख जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी कोई भी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। और जैसे कि मेरे लास्ट वाले वीडियो पे आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे और उनके आंसर्स भी इस तरीके से हम लोगों ने दिए थे, तो अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है प्रोडक्ट्स को लेके तो आप व्हाट्सएप पर चैट करके पूछ सकते हैं। और हाँ एक एक्साइटिंग चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गई, अगर आप मेरा लिंक के थ्रू कोई भी सामान जाकर खरीदते हैं तो आपका जो नाम है ना ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा आने वाले गिव अवे के लिए। जी हाँ मैं एक गिव अवे निकाल रही हूँ जिसका अनाउंसमेंट मैं अगले वीक करूंगी, तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कुछ भी खरीदते हैं तो आप उसमें ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर लेंगे। गिव अवे में जो मैंने प्राइज रखा है वो है ये वाला ऑर्गेनाइजर, जिसे आप जीत सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा लिंक है उस पर आपको केवल यही प्रोडक्ट नहीं, इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट मैंने आज तक आप लोगों को बुलबुल पर दिखाए हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो आप उसमें से कुछ भी अगर खरीदते हैं तब भी आप इस गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसके अलावा मैंने मंगाया कुशन कवर का सेट, ये 5 का सेट है और मुझे तो वैसे भी बदल बदल के कुशन कवर लगाना अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे घर में ना काफी जगह यूज भी होते हैं, सोफे पर यूज होते हैं, कशिश के रूम में यूज होते हैं, फिर मेरे खुद के रूम में, फिर हमारा जो थर्ड वाला रूम है उसमें भी कुशन कवर यूज होते हैं, तो बहुत सारे लगते हैं हमारे घर में। तो ये कुछ मैंने इस डिजाइन में मंगाए, अलग अलग पैटर्न में मैं मंगाती रहती हूँ, थोड़ा चेंज लगता रहता है। तो ये कुशन मैंने मंगाए हैं, कुछ मतलब कवर है खाली इसके, और ये 5 का सेट है। और एक और मैंने सेट मंगाया कुशन कवर का, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये भी मुझे अच्छा लगा और ये वाला कलर ना हमारे बेडरूम के साथ बहुत अच्छे से मैच करेगा, क्योंकि हमारा जो कर्टेन है ना वो कुछ ऐसे ही बेज कलर में है, तो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। इसके भी डिजाइन बहुत प्यारे हैं अगर आप देखेंगे तो। ये छोटे वाले कुशन्स हैं, जो छोटा साइज होता है ना ये वाला, इस वाले साइज के कवर है ये। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वाली वॉच। ये वॉच मैंने अपने वर्किंग रूम के लिए मंगाई थी, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आई, देखने में कुछ इस तरीके से है तो ओके है। नेक्स्ट मैंने मंगाई है कुछ इस टाइप की पेंटिंग्स, और ये वाली पेंटिंग मैंने किसी को गिफ्ट में देने के लिए मंगाई है। तो इसमें एक ये लाइट वाला दिए वाला है और बीच में है ये बुद्धा वाला, तो इस तरीके से ये 3 पेंटिंग लगेंगी। तो मैं तो आपको 2 ही पकड़ कर दिखा पा रही हूँ, सेम यही वाली ना इधर भी आ जाएगी। तो इसे किसी भी तरीके से आप प्लेस कर सकते हो, किसी को गिफ्ट में देने के लिए अच्छी हैं, या अपने घर में भी आप डेकोर के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट चीज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बहुत यूजफुल है और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम में आती है। हमेशा क्या होता है ना कि वैसे तो मैं एडिटिंग ना अपने थर्ड रूम में ही करती हूँ, आप सबको पता है, लेकिन कभी कभी दिल नहीं करता, कभी कभी टीवी भी देखते देखते कभी कभी मन करता है कि कुछ एडिटिंग वगैरह कर लो, या फिर आप थक रहे हो कहीं से, थक कर लौटे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए आप एडिटिंग करना चाहते हो, तो इस टाइप की जो लैपटॉप टेबल है ना वो काफी अच्छी रहती है। खाली एडिटिंग के लिए नहीं, आप कोई भी अगर लैपटॉप पर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप आराम से इजीली बैठ के अपना एडिटिंग का काम या कोई भी ऑफिस का काम कर सकते हो। तो इस टाइप की मैंने टेबल मंगाई है ये। वैसे मेरे पास एक टेबल और है, वो कशिश यूज करती है स्टडी के लिए, तो मुझे अपने लिए चाहिए थी, तो ये है वो टेबल। और ये फोल्डेबल है, कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कहते हैं आप अपने ग्लास वगैरह रख सकते हो, पानी का कप वगैरह जो भी आप रखना चाहो, तो अच्छी लगी मेरे को टेबल। तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप भी रखा हुआ है, तो इस तरीके से बस मैं अपना लैपटॉप रखूंगी, अपना कोई भी काम कर सकती हूँ, साथ में अपनी पानी की बोतल भी मैंने लगा ली यहाँ पर। तो एक वीडियो है जिस पर मुझे काम करना था, उसकी एडिटिंग बची हुई है, तो बस मैं अब उसी पर काम करूंगी थोड़ी देर। और हाँ गाइस, आप लोग ना गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो। और इसका जो अनाउंसमेंट है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना बुलबुल की उसमें मैं करूंगी। तो मकई की पूरी बनाने का मन अचानक से मेरा इसलिए कराया क्योंकि ये थोड़ा सा मकई का आटा था जो कि बच गया था, तो मैंने सोचा कि अब तो सीजन जाने वाला है, अब ऑलमोस्ट समर आ चुकी है, तो ये काफी टाइम फिर ऐसे ही रखा रह जाएगा, तो क्यों ना इसका बेस्ट यूज कर लेती हूँ। वैसे भी कशिश को बहुत पसंद है, जब वो स्कूल से आएगी तो खुश हो जाएगी, उसके लिए सरप्राइज ही है ये। तो आज मैं ना डिफरेंट तरीके से पूरी बनाने वाली हूँ मकई की, क्योंकि मैं ज्यादातर मकई की कचौड़ी बनाती हूँ, लेकिन मैं आज पूरी बनाऊंगी और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ। पहले भी मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, काफी पसंद आई है आप लोगों को, तो ये एक और अलग वाली रेसिपी है। तो ये वाली रेसिपी कभी शेयर नहीं करी है मैंने, इस वाली रेसिपी में आटा भी यूज करूंगी मैं, और जैसे कि मैं 2 कप लूंगी मक्के का आटा, तो फिर उसमें 1 कप गेहूं का आटा डालूंगी। मकई के आटे की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मकई का आटा और 1 कप मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। इन दोनों के साथ अगर आप मिलाकर बनाओगे तो बहुत सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन डाली है जिससे कि डाइजेशन के लिए अच्छी रहे, और वैसे भी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पूरियों में इसका, थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली डाली है 2 से 3 छोटी छोटी बारीक कट करके डाली हैं, और बारीक कट करके ही धनिया डाल देना है। धनिया ना मोटा मत काटिएगा, जहाँ पर मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत डंडी वगैरह
है इसके अंदर, तो मैंने निकाल कर साइड कर ली थी। और इसके साथ मैंने 3 आलू डाले हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया था, ये मीडियम साइज के आलू थे। और बस इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लीजिए। पहले चेक कर लीजिए कि आटे में ज़्यादा मॉइस्चर ना आए, इस वजह से मैंने पहले सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर मिला लिए थे। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसमें हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं लगेगी, बहुत थोड़े से पानी से ही आटा लगकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा पानी अगर आटे में डल गया तो आपकी पूरियाँ अच्छे से नहीं बन पाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा आटा लगभग लगकर तैयार हो गया है, इसमें बस थोड़ा सा ऊपर से और मैं ऑयल डाल रही हूँ, और इसको 10 मिनट के लिए मैं ढककर छोड़ दूंगी। 10 मिनट बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो तब तक मैंने और बाकी के काम कर लिए थे, इसी के साथ मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई, जिससे कि जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए। गर्म ऑयल में पूरियाँ तलेंगे तो अच्छे से फूल कर बाहर आएंगी। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके थे, बस मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब आपको चाहिए एक इस टाइप की कहते हैं पिन्नी या पॉलीथिन, जो भी आप इसे बोलते हैं, ये इस टाइप की ट्रांसपेरेंट वाली ले लीजिए। और क्या करना है, इसको हल्का सा ग्रीस कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड ग्रीस कर ली है, बीच में हम लगाएंगे लोई और फिर हाथों की हेल्प से हम इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बेल सकते हैं, और या फिर आप पर्थल लगाकर भी बेल सकते हैं। मुझे ये वे ज़्यादा इजी लगता है, और इस तरीके से ऑथेंटिक जो मक्के की पूरी होती है वो बनकर तैयार होती है। पर्थल से थोड़ा चेंज आ जाता है पूरियों में, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। बस अब गरम गरम ऑयल हो ही चुका है, इसमें बस डाल लीजिए और लाल लाल पूरियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। ये जो पूरियाँ हैं ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी लगती हैं, आप इसे लंच और डिनर में भी ट्राई कर सकते हो, और खाली चटनी के साथ भी खाओगे तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। नींबू का अचार हो, कोई भी अचार आपका फेवरेट हो, चाय हो या फिर गर्मा गर्म, उसके साथ भी ये काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। मैंने सारी पूरियां बनाकर तैयार कर ली हैं, आप देख ही सकते हो कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। इसके साथ आलू टमाटर की सब्जी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आज बनाया है कद्दू यानी कि काशीफल, और इसके साथ बनाया है बूंदी का रायता। तो ठंडा ठंडा बूंदी का रायता, कद्दू की सब्जी, और इसके साथ मैंने सर्व किया है लाल मिर्च का अचार मसाले वाला। बहुत ही टेस्टी लग रही थी, सच पूछिएगा बहुत ही लाजवाब लग रही थी, मज़ा आ गया था मतलब लंच में इसे खाकर। तो लंच वगैरह तो हो गया हम लोगों का, और आज पता है मैं सोच रही हूँ कि अपनी ना आई साइट थोड़ा चेक करा कर आती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि जब मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ ना, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द होने लगता है, और मेरी एडिटिंग का काम भी काफ़ी सारा रहता है, फिर इसके अलावा भी मेरे पास काम रहता है, तो उसकी वजह से सर में ना आजकल मेरे थोड़ा थोड़ा सा दर्द रहने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जाके अपने चश्मे का चेक करा लेती हूँ, नंबर वगैरह कि ठीक है, वही नंबर है या चेंज हो गया है। तो शाम को शायद मैं जाऊं फिर चेक कराने के लिए। तो फिलहाल खाना बहुत टेस्टी था, आज जो वो बनी थी ना पूरियां, वो मैंने अलग स्टाइल में बनाई थी। इससे पहले भी मैं मक्के की कचौड़ी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, उसका तो अपना ही मज़ा है, लेकिन ये भी आप ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इसका ना अलग सा ही फ्लेवर आ रहा था, और काशीफल की सब्जी के साथ मतलब कद्दू की सब्जी के साथ रायते के साथ तो अमेजिंग लग रहा था। वैसे आप चाहें तो इन पूरियों को मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी बनाकर आप खा सकते हो, क्विक बन जाएंगी। आटा इसमें थोड़ा सा लगाने की वजह से थोड़ी सॉफ्ट बनी थी, जैसे खाली मक्के की बनाते हो तो वो थोड़ी सी कड़ी कड़ी सी बनती है ना, ये थोड़ी सॉफ्ट थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने चश्मे बनवाने के लिए, और एक जोड़ी चश्मे मुझे पसंद भी आ गए थे, मतलब मुझे फ्रेम भी चेंज करवाना था, पुराने वाले फ्रेम थोड़े डीले हो रहे थे,
तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकी और मेरा काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर निकल गया था। तो मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और लास्ट में मैंने वो चश्मे भी पहनकर दिखाए हैं जो मैं लेने वाली हूँ अपने लिए। ये ज़्यादातर वैसे घर में ही काम में आएंगे क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह और कंप्यूटर पे काम करने के वक्त काम में आते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलती हूँ एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। लॉट्स ऑफ लव।